हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्दी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका फैट होता है, जो बेली फैट बोलते हैं, तो उन बेली फैट को आप कैसे कम कर सकते हो, वो भी एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, नींबू तो आप पीते हो या खाते हो, नींबू का रस आप पीते हो, तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे पास एक नींबू है। आप एक के जगह दो भी ले सकते हो अगर आपका ज़्यादा फैट है तो, फैट लॉस करने के लिए। और नींबू के साथ साथ मेरे साथ देख रहे हो यहाँ पे और एक अदरक, जो अदरक तो आप यूज़ करते हो, आपको ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, बस 20-30 रुपये में आप ये अगर हर रोज़ एक बार सेवन करोगे तो आपका एक हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा, जो आपका फैट है वो कम हो जाएगा। कैसे, मैं आज भी बताऊँगा इन दोनों चीज़ों से एक ऐसे रेमेडी जो आपको मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्मॉल सा रिक्वेस्ट है, जैसे वीडियो को देख रहे हो आपको इसी क्वेश्चन में पहले वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ एक घंटे का बेल आएगा, ऑल ऑप्शन में आपको दबा के रख देना है, बस इतना करना है। और अभी बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपका ज़्यादा फैट है, ज़्यादा बेली फैट है, तो इसके लिए एक नंबर की जगह दो या तीन ले सकते हो। तो आपको भी बता दो, हर रोज़ मतलब एक दिन में एक ही बार सेवन करना है। आप जितने सेवन करोगे उतना आपके आपके लिए अच्छा है, कि आपके बेली फैट उतना जल्दी कम हो जाएगा, घटने लगेगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो, मैंने अभी बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे रेमेडी बनाना है, होममेड रेमेडी, नुकसान कैसे करना है। ठीक है, तो मेरे पास एक नाइफ है, तो इसको आपको काट के कैसे कैसे करना है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो नींबू को पहले दोनों साइड से काट लेना है, इस तरफ से काट करके नींबू को इस तरफ से काट लेना है। फिर दोस्तों इस तरफ से चार भाग में कर लेना है, और करने के बाद ये जो देख रहे हो इस तरफ से आपको इस तरफ से काट करके रखना है। ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, इस तरफ से आपको करना है, जितना भी आप करोगे इस टाइप में आपको इतना तक करना है। और ये क्यों कर रहा हूँ आप ध्यान से देखते रहो वीडियो को। और इतना करने के बाद नींबू को अभी आपको साइड में रखना है, और जो अदरक है अदरक को भी आपको यही प्रोसेस में आपको कट लेना है। तो इस तरफ से अदरक को ऊपर का हिस्सा जो उसका छाल होता है, इस तरफ से आपको पूरी तरफ से निकाल लेना है, और निकालने के बाद इस तरफ से देख सकते हो इस तरफ से रखना है, और फिर इसको इस तरफ से छोटा छोटा करके इस तरफ से पीस कर लेना है। ठीक है, ध्यान से देखो ये क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। इस तरफ से मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको इस तरफ से इसको कर लेना है। करने के बाद ये जो अदरक का पीस है आपको यहाँ पे दो कटरी लेना है, एक इसमें नींबू का रस डालेंगे और एक में नींबू का जो ये छिलका होता है, छिलका यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं दिखाता हूँ इस तरफ से, पहले जो नींबू का इस तरफ से पूरी तरफ से जो रस होता है, ये ध्यान से पूरी तरफ से आपको इस तरफ से कर लेना है। जो लस है ये नींबू का लस अलग जगह पे, और जो छिलका होता है छिलका यहाँ पे इसके साथ, और यहाँ पे जितना भी है इसी तरह से आपको इस तरफ से कर लेना है, रस निकाल लेना है। और फिर देखो यहाँ पे मैंने पूरी तरफ से जितना भी छिलका था यहाँ पे इसमें डाल दिया, और जो लस है नींबू का यहाँ पे थोड़ा बहुत लस निकला, मैं इस अदर दूसरा कटोरी में रख दिया। और अभी आपको करना क्या है, ये जो अदरक देख रहे हो, अदरक का पीस और ये जो नींबू का छिलका है, आपको इन दोनों को 10 मिनट तक इसको पूरी तरह से उबालना है। उबालने के बाद थोड़ा पानी पानी एक गिलास पानी देना है, और एक गिलास पानी में ये जो अदरक देख रहे हो और नींबू का छिलका देख रहे हो, इसको 10 मिनट पूरी तरह से उबालना है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अभी देख सकते हो मैं यहाँ पे सस्पेंशन डाल दिया, और यहाँ पे मैंने अभी इसको 10 मिनट तक उबालूंगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास आपको मैंने बताया था, तो पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरफ से, आपको पूरी तरह से जो अदरक है, अदरक और नींबू का ये छिलका देना है। और आपको करना क्या है, जो मैंने आपको कहा था कि एक गिलास पानी लेना है पूरी तरफ से, और ये पूरी तरफ से एक गिलास पानी यहाँ पे इस तरफ से डाल देना है, और पूरी तरह से 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट तक उबालना है, और कुछ नहीं डालना है यहाँ पे, सिर्फ यही 10 मिनट उबालना है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरफ से 10 मिनट हो चुका है, जो कि 10-12 मिनट हो गया, जो कि मैंने वीडियो को पोस्ट किया था। तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने इसका कलरिंग देखो, इसका कलर थोड़ा ये अलग हो गया है, थोड़ा रेड साइड में आ गया है। ठीक है, तो इसको अभी आपको करना क्या है, इसमें जो मैंने नींबू का रस निकाला था ये आप जो निकाले थे, इसमें पूरी तरह से ये रस डाल देना है। जैसे ही डाल दोगे इस तरफ से थोड़ा मिक्स करना है, इस तरफ से मिक्स करने के बाद ये जो छकना है आपको छकना से छक लेना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे छकता हूँ, ध्यान से देखो। और यहाँ पे फाइनली छकने के बाद कैसे आया देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो,
ये देखो इस तरफ से कलर आया। लेकिन उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पे जीरा का पाउडर होता है, जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, तो जीरा का पाउडर एक चम्मच दे देना है। तो मैं यहाँ पे एक गिलास में, आपको अगर एक गिलास बनाओगे तो एक गिलास में एक चम्मच देना है, अगर दो गिलास बनाओगे दो गिलास में दो चम्मच दे देना है। तो मैं एक चम्मच यहाँ पे जीरा का पाउडर दे देता हूँ, और यहाँ पे देने के बाद इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस तरफ से आपको पूरी तरह से मिक्स करना है। अभी 5 मिनट तक, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक इसको मिक्स करके आपको इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद पीना है। और ये जो होम रेमेडी है, आप ध्यान से देखो इसका कलर कैसा हुआ है। आप बिल्कुल घबराओ मत, आपको 100% एक हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इस तरह का ये जो देख लो, ये एक तरह से जूस हो गया, जो कि आपका बेली फैट कम हो जाएगा, ये 100% गारंटी देता हूँ। आप हफ्ते में एक हफ्ते यूज़ करके देखो, हर रोज़ एक बार पियो, सेवन करो, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन अगली वीडियो में। जय हिंद।